छोटा मोर बड़ी बात है, तकरीबन मैं 1-1.5 साल की बात कर रहा हूँ। पहले जब गुरुजी मिले थे 95 में, तो कुछ देर उनके साथ रहे, फिर वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, तो सब भटक गया। ऐसा लेकिन कभी याद आती थी उनकी, लेकिन शायद बिल्कुल ही मेरा भ्रम हो। पर अब 1 साल से कह सकता हूँ कि काम कोई भी हो रहा है, कोई भी, अच्छा या बुरा, क्योंकि मैं निर्णय करने के काबिल नहीं समझता अपने आप को। ये होते होंगे पूरे, आपका शिविर सितंबर में अटेंड किया था। मैं कह सकता हूँ कि कोई ऐसा क्षण नहीं है जब गुरुजी या गॉड या आप किसी भी वक्त ना साथ हो या ना मन में हो। तो ये क्या मेरा भ्रम है या ये बात ठीक भी हो सकती है? वो अगर ठीक हो सकती है तो मैं खैर ये भी नहीं कह सकता कोई चेंज नहीं हुई, तो मेरा भ्रम भी हो सकता है ये क्या? शिष्य का मन ऐसे होता है जैसे तपती हुई मिट्टी, जेठ माह की मिट्टी, कई बार फट भी जाती है, इतनी तपती है ना, जून की मिट्टी। शारीरिक गुरु का आगमन ऐसा होता है जैसे आषाढ़, जून का अंत आया और पानी बरसा। ये जो पानी की बूंद पड़ रही है, ये देही गुरु है जो ऐसे सामने बैठ जाता है आपके, हाथ पांव लेकर के, मुंह लेकर के, और कुछ कुछ बोलता है, ठीक है। तो इसका जब मिलन होता है शिष्य से, तो बात पता चलती है कि मिलन हुआ है। मिट्टी का रंग बदलता है और मिट्टी से खुशबू उठती है। पहली बारिश की खुशबू याद है ना, और मिट्टी है, मिट्टी माने गंदगी, और उससे क्या उठ रही है, खुशबू। कितनी अजीब बात है। ये शिष्य और शरीरी गुरु का मिलन है। बारिशें होती हैं, होती हैं, और जितना मिलता है शिष्य शरीरी गुरु से, उतना गीला होता जाता है, मिट्टी की तरह। कैसा गीला, आंसू बहते हैं, दिल नम हो जाता है, गीलापन आ जाता है। जहां सख्ती होती है वहां चीज आर्द्र हो जाती है, मुलायम हो जाती है। पर शरीरी गुरु हमेशा तो रह नहीं सकता। बादल आगे बढ़ जाते हैं, बारिशें बीत गई, सावन अषाढ़ सब खत्म, बीत गया। अभी तक मिट्टी बिल्कुल गीली दिखाई दे रही थी, सतह पर भी पानी दिखाई दे रहा था। अब मानसून बीत गया, पहले तो तपती हुई मिट्टी थी, फिर मानसून। पर मानसून भी बेचारा हमेशा तो रह नहीं सकता ना, शरीरी गुरु हमेशा तो रह नहीं सकता। अब ये जो गीली मिट्टी थी, ये फिर ऊपर से सूखी दिखाई देने लगती है, ऊपर ऊपर से ये फिर सूख जाती है, सख्त हो जाती है। ये ऊपर ऊपर से सूख जाती है, पर अब पानी इसने पी लिया है। अब पानी इसके भीतर, इसकी गहराई में पहुंच गया। अब ऊपर ऊपर नहीं पता चलेगा,
अब इसको देखोगे तो ऊपर ऊपर से ये पानी का नाम लेती नहीं सुनाई देगी। जब तपी हुई थी तो पुकारती थी, पानी मिले पानी मिले पानी मिले। जब पानी बरसा तो भी पुकारती थी, पानी मिला पानी मिला पानी मिला, तब पुकार थी। और पुकार में कौन सा शब्द था? पानी, पानी। जब तपती थी मई जून में तो क्या पुकारती थी? पानी, पानी मिले, तो कौन सा शब्द था? पानी। फिर जब पानी बरसा तो भी पुकारी, क्या? पानी मिला पानी मिला। जब पानी पी लेती है खूब तो उसके बाद पानी का नाम लेना ही बंद कर देती है। जब गुरु अपना काम कर गया और खूब पिला गया पानी तो पानी का नाम लेना बंद कर देती है और पानी दिखाई भी नहीं देता, मिट्टी सूख गई। पानी कहाँ गया? पानी कहाँ गया? पानी अब मिट्टी की गहराइयों में उतर गया। ये है मिट्टी, ये मिट्टी है। अब नहीं आपको सतह पर पानी कहीं दिखाई देगा, पानी का नाम नहीं ले रही है मिट्टी। अब पानी मिट्टी की हरकतों का आधार बन गया। अब मिट्टी क्या हरकत करेगी? अब मिट्टी में से प्राण प्रस्फुटित होंगे। सतह सूखी है लेकिन मिट्टी में से बहुत कुछ है जो प्रस्फुटित हो रहा है, निकल के आ रहा है। और वो जो अब मिट्टी से प्रकट हो रहा है वो प्रमाण है कि मिट्टी ने पानी पिया है। नन्हे पौधे उठ रहे हैं, घास उठ रही है, फूल खिल रहे हैं, ये प्रमाण है कि मिट्टी को पानी मिला है। मिट्टी अब आवाज नहीं दे रही, मिट्टी अब बात नहीं कर रही पानी की, मिट्टी के कर्म मिट्टी की हरकतें अब बता रही हैं कि इसको पानी मिल गया। अब ऊपर ऊपर से बात नहीं है कि गुरु 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 गुरु, न सपने आ रहे हैं कि गुरुजी सपनों में आ रहे हैं, सब बंद। क्योंकि अब गुरु कहां प्रवेश कर गया? गहराई में, केंद्र में घुस गया गुरु। अब आप नाम नहीं लोगे, माला फिरू ना जप करो, अब क्या नाम लेना? पानी तो अब गहरा पहुंच गया, और जब गहरा पहुंच जाता है पानी तो उससे दुनिया भर की प्यास बुझती है। सतह पर रहे पानी तो कीचड़ कहलाता है। गुरु ने तुम पे जो बरसाया, अगर वो तुम्हारी सतह पर ही रह गया तो उसका नाम है कीचड़, और अगर गहरे प्रवेश कर गया तो उससे दुनिया भर की प्यास बुझेगी। दुनिया की प्यास बुझेगी लेकिन तुम्हारी सतह पर दिखाई नहीं देगा, तुम्हारी सतह सूखी रहेगी। असली शिष्य की यही पहचान है। गुरु उसके इतने गहरे जाकर बैठ जाता है कि फिर उसके लफ्जों में और लबों पर रहे ये जरूरी नहीं रह जाता। हाँ, गड्ढा खोदोगे तो पानी मिलेगा, आकर के बात करोगे, उसकी जिंदगी को देखोगे तो पानी मिलेगा, उस पर उगी हरियाली को देखोगे तो तुम समझ जाओगे कि पानी तो इसमें बहुत है, इसके दिल में पानी है। दिल में पानी ना होता तो इतनी हरियाली कहां से आती? तो जो शिष्य गुरु की बात को सिर्फ सतह सतह पर ले लेता है उसको तो कीचड़ मिलती है, और जो उसे गहरे तक पी लेता है वहां फूल खिल जाते हैं, हरियाली आ जाती है। अभी आगे भी है मामला। फिर जितनी हरियाली आती है बादल उतना बरसते हैं। जानते हो ना रेगिस्तान पे बारिश क्यों नहीं होती? बहुत कारण है, एक कारण ये भी है कि वहां पेड़ नहीं है। जितने पेड़ होते हैं बारिश उतनी ज्यादा होती है, क्योंकि पेड़ ही बादलों को खींच कर लाते हैं। और पेड़ कब होंगे? जब गहराई में पानी है। जितना पानी होगा उतना ज्यादा मिलेगा पानी। लेकिन ये याद रखना कि कीचड़ बादलों को खींच कर नहीं लाता। सतह पर ही रह गया जो तुम्हें
गुरु ने बरसा के दिया तो कोई बादल नहीं आने वाला। बादल भी तुम तक तब आएगा जब जो गुरु से मिला वो सीधे दिल में उतर गया, दिल में उतर गया, तुम्हारे कर्मों में आ गया, तुम्हारी हरकतों में आ गया, तुम्हारे जीवन में आ गया। तुमसे बड़े बड़े पेड़ फूटे, विशाल वृक्ष खड़े हो गए, अब ये वृक्ष और वर्षा करवाएंगे और क्रम चलता रहेगा। जंगल हो जाओगे।